नमस्ते है जी, मैं हूँ मैन धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। दोस्तों, आज आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर एक बार में मिलने वाले हैं। यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, कमेंट्स में, फेसबुक में आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जिनके सवालों का जवाब आपको सिर्फ इस एक वीडियो में मिल जाएगा, क्योंकि आपके ज़्यादातर क्वेश्चंस में आपकी प्रॉब्लम्स छुपे होते हैं और आपके प्रॉब्लम्स के लिए ही ये वीडियो बने। दोस्तों, एक चीज़ समझिएगा, जब से हमने जन्म लिया है इंसानी रूप में, हमें गाइड करने के लिए हमेशा कोई ना कोई स्पिरिट हमारे पीछे रही है, चाहे वो एंजल्स हो या एनिमल्स। एनिमल स्पिरिट के बारे में आपने शायद कभी सुना नहीं होगा, लेकिन बहुत सारी मैथोलॉजी में एनिमल स्पिरिट का जिक्र किया गया है, और एनिमल स्पिरिट हमें हमेशा गाइड करती है। आपने कभी भी अपने बिहेवियर पैटर्न में भी ये देखा होगा कि कभी आप मंकी की तरह बिहेव करते हैं, कभी आप वुल्फ की तरह बिहेव करते हैं, कभी आप लायन की तरह बिहेव करते हैं, कभी आप मछली की तरह बिहेव करते हैं, कभी आप डॉग्स की तरह बिहेव करते हैं। हमारे बहुत सारे एग्जांपल्स में भी शेर, कुत्ते, जानवरों का एग्जांपल आता है। कभी हम चिड़िया की तरह बिहेव करते हैं, कभी हम बकरी की तरह बिहेव करते हैं। तो ये बात सच है कि हम ह्यूमंस कहीं ना कहीं हमारे अंदर एनिमल स्पिरिट होती है। वो एनिमल स्पिरिट नेचुरल फॉर्म में तो है, उसे हम किस तरह से अपनी इच्छा अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं, आज की वीडियो में इसे ही हम समझेंगे। देखिए दोस्तों, एनिमल स्पिरिट एक तरह से एंजल ही है। एनिमल स्पिरिट का मतलब ये नहीं जो एनिमल्स आप देख रहे हैं बिल्कुल वो वैसा बिहेव, नहीं। उन एनिमल स्पिरिट का मतलब है उनकी शक्ति, आत्मशक्ति, उनके बिहेवियर वाइज आत्मशक्ति। तो एनिमल स्पिरिट का इस्तेमाल आज करना हम सीखेंगे। आज मैं सिर्फ इस वीडियो में आपको समझाऊंगा कि एनिमल स्पिरिट क्या होता है, उसका इस्तेमाल कैसे होता है। आने वाले वीडियो में मैं आपको अगली वीडियो में वुल्फ स्पिरिट के बारे में बताऊंगा, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। मुख्यतः हम चार एनिमल स्पिरिट को मानते हैं, यूज़ करते हैं, जिसका सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। पहला है पानी का जीव, मछली। मछली में सबसे अच्छा जीव हम मानते हैं डॉल्फिन, डॉल्फिन स्पिरिट को, या तो शार्क स्पिरिट को। आपको कब डॉल्फिन का स्पिरिट चाहिए, कब शार्क का स्पिरिट चाहिए, आप उसका ध्यान रखिए। उसे कॉल कैसे करते हैं वह भी मैं आगे बताऊँगा। दूसरा स्पिरिट है थल का, मतलब कि वुल्फ, वुल्फ स्पिरिट। वुल्फ स्पिरिट का भी इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद आता है मंकी स्पिरिट। मंकी स्पिरिट का इस्तेमाल आपको कब कैसे करना है ये भी आपको समझ में आएगा। उसके बाद आता है लायन स्पिरिट। तो आपकी लाइफ की कौन सी प्रॉब्लम में कब कैसे इन स्पिरिट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी ये आपको अभी समझ में आएगा। पहला डॉल्फिन स्पिरिट, मैं अभी सबको मोटा मोटा बता देता हूँ कि जब भी आप अपनी लाइफ में सफोकेट फील कर रहे हैं, आपको लगता है कि अब आपको बह के बाहर निकलना है, आपको तैर के बाहर निकलना है, आपको इन हालातों से तैर के बाहर निकलना है बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, तो भी आपको डॉल्फिन स्पिरिट की ज़रूरत पड़ेगी या शार्क स्पिरिट की ज़रूरत पड़ेगी। शार्क डैमेज करते हुए निकलेगा, डॉल्फिन प्यार से निकलेगा, दिमाग लगा के निकलेगा। तो उस स्पिरिट को अपने अंदर बुलाना है। कैसे बुलाना है, सिर्फ एक लाइन, डॉल्फिन स्पिरिट बिगिंस नाउ। यह है मंत्र, इंग्लिश में है, आप इसको हिंदी में भी बोल सकते हैं, डॉल्फिन स्पिरिट आइए, लेकिन इंग्लिश में सबसे ज़्यादा इसे बोला जाता है। ये एक तरह का साउंड बन चुका है, इसे आप इसे कहीं पर भी भाषा से मत लीजिए, एक तरह का ध्वनि है। डॉल्फिन बिगिंस नाउ, या डॉल्फिन स्पिरिट बिगिंस नाउ सबसे अच्छा होता है, डॉल्फिन बिगिंस नाउ। इस तरह से जब आप इसे इंचेंट करते हैं अपने अंदर जब इसका आवाहन करते हैं कई बार, तो वो चीज़ आपके अंदर आ जाती है। इस बारे में अभी और डिटेल करने वाला हूँ मैं। फिर आता है वुल्फ, वुल्फ बिगेंस नाउ। वुल्फ की ज़रूरत आपको कब पड़ती है लाइफ में, जब आपको मैजिक देखना होता है ना, कि आपको लगता है कि अब तो ये नहीं हो रहा, तब आपको अपने अंदर वुल्फ की एनर्जी को बुलानी है। कहीं आपको पहुँचना है, आप पहुँच नहीं पा रहे हैं, आपको लगता है कि अब तो नहीं पहुँच पाएंगे, लेट हो गए, या किसी ऐसी जगह में फंसे हैं कि लाइक आपने अपनी पूरी एनर्जी दे रखे हैं, बस छोटी सी किसी चीज़ की वजह से फंसा हुआ, वो क्या चीज़ इसकी वजह से हो नहीं रहा है काम, तब भी आपको वुल्फ को बुलाना होता है, उसकी एनर्जी को बुलाना होता है, उस स्पिरिट को बुलाना होता है। इसके लिए आपको यही कॉल करना है, वुल्फ बिगिंस नाउ। देन आता है मंकी। मंकी का तो आप नेचर समझते ही हैं, जब आपको जल्दी जल्दी बहुत सारी चीज़ों को कवर करना होता है, इस पेड़ से उस पेड़, उस डाली से उस डाली, तब आपको मंकी की स्पिरिट को बुलाना होता है। मंकी की स्पिरिट को बुलाकर आप बहुत सारी चीज़ों को एक साथ कवर करने की क्षमता प्राप्त करते हैं। देन आता है लायन स्पिरिट। जब भी आपको अपने प्रॉब्लम में से बाहर नहीं निकलना है, आपको अपने प्रॉब्लम से बाहर निकलने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, अब आपको लगता है कि अब आपको अटैक करना है, अब आपको प्रॉब्लम्स पे अटैक करना है, अब जो भी अगली चीज़ है उस पर अटैक करना है। जैसे कि अभी आपको सपोज किसी
स्टेज में जाके आपको स्पीच देनी है, स्टेज में आपको जाना है स्पीच देना है, तो अपने अंदर उस लॉयन स्पिरिट को आइए, उस प्रॉब्लम को आपको निकल के भागना नहीं है, आपको डॉल्फिन नहीं चाहिए, आपको वुल्फ नहीं चाहिए, यहाँ से निकल के भागना नहीं है, आपको अटैक करना है, आपको स्टेज में खड़े होकर उसे फेस करना है, आपको कोई प्रेजेंटेशन देना है, आपको किसी इंटरव्यू में जाके फेस करना है, आपको ऐसा कोई भी काम करना है जिसमें आपको लगता है कि आपको लॉयन की एनर्जी चाहिए, आपको लॉयन का स्पिरिट चाहिए, वो आपको अपने प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग फील हो जाएगा। ये चारों स्पिरिट के नेचर को आप जैसे जैसे थोड़ा सा एनालाइज करना शुरू करेंगे, आपको समझ में आने लगेगी कौन से स्पिरिट की ज़रूरत आपको कब है। अक्सर लोग वुल्फ और लॉयन के स्पिरिट में कन्फ्यूज़ होते थे कि कब किसे बुलाएं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, कन्फ्यूज़न होने से कुछ नहीं होता है, धीरे धीरे वो आपको समझ में आ जाएगी किसकी पावर ज़्यादा है, किसकी पावर किस चीज़ में ज़्यादा अच्छी है, तो आपको समझ में आएगा जब इसकी पर्सनैलिटी को आप एनालाइज करेंगे। इन सभी को बुलाने के लिए एक ही मंत्र है, डॉल्फिन बिगिंस नाउ, वुल्फ बिगिंस नाउ, मंकी बिगिंस नाउ, लॉयन बिगिंस नाउ। मंकी से आप मंकी किंग या हनुमान को याद कर सकते हैं, अगर नॉर्मल मंकी आपको तुच्छ लगता है तो आप हनुमान जी से उसकी कल्पना करके देखिए कि हनुमान मंकी का सबसे महान रूप है वो है हनुमान, या मंकी किंग अगर चाइनीज मैथोलॉजी में जाए तो इस तरह से आप एनिमल स्पिरिट्स की मदद से अपने लाइफ की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स निकल सकते हैं। वुल्फ के बारे में हम अगली बार बात करने वाले हैं अगली वीडियो, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है वुल्फ लाइफ की, कम से कम 5 से 6 ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें वुल्फ का इस्तेमाल होता है, और उसके लिए मैं आपको एंजल नंबर्स भी बताऊँगा और उसके लिए गाइडेंस पूरा सही तरीका समझाऊँगा कि वुल्फ की एनर्जी को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। आज की वीडियो में आप ये समझ पाए हैं कि एनिमल स्पिरिट को आप कैसे इस्तेमाल करेंगे। मछली, वुल्फ, बंदर, लॉयन, ये 4 सबसे मेन और अहम है आपकी लाइफ में। आपको और भी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग बहुत सारे एनिमल्स धीरे धीरे अब दिखने शुरू होंगे जिसके स्पिरिट को आप बुला करके अपने लाइफ के इन सारे प्रॉब्लम्स को या सिचुएशंस को आप हैंडल करना सीख सकते हैं आराम से। सिर्फ आपको अपने आसपास दिखने वाले एनिमल की पर्सनालिटी को एनालाइज करना है, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि किसकी एनर्जी, किसकी स्पिरिट आपके सबसे ज़्यादा काम आएगी अभी की। वो एक कीड़ा हो सकता है, वो छिपकली हो सकती है, वो एक सांप हो सकता है, वो चमगादड़ हो सकता है। अगर आप रात में किसी भय पे फंसे हैं, रात में फंसे हैं, तो आपको बैट चमगादड़ के स्पिरिट की शक्ति काम आएगी, ऑल की शक्ति काम आएगी। तो इस तरह से आप एनिमल स्पिरिट को बुला सकते हैं। बहुत सारे ऐसे एनिमल हैं जिससे अगर आपको डर लगता है, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिससे आपका मन भय खाता है, तो वो फ्रिक्वेंसी आपके फ्रिक्वेंसी से मैच नहीं कर रही है, वो अलाइन नहीं हो रही है, तो वो हमेशा डैमेज ही करेगा, वो प्रॉब्लम बाहर के प्रॉब्लम को बाद में अंदर ज़्यादा डैमेज करेगा, तो उसे नहीं बुलाना है। इसके अलावा जिस भी एनिमल के स्पिरिट को आप सबसे ज़्यादा चाहते हैं उसको कॉल करने का काइंड ऑफ उसको सिद्ध करिए। कैसे? जब भी आप हीलिंग कर रहे हैं या जब भी आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो 108 बार, 1008 बार, इस तरह से या 10 मिनट इस तरह से उनको रोज़ कॉल कर करके उनके उनके फ़ोटोज़ को देख के या मन में अपनी उसकी फ़ोटो को कल्पना करके, उसकी स्पिरिट की कल्पना करके, अपने अंदर उस स्पिरिट को महसूस करके रोज़ जब आप उसे इंचेंट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपके शरीर में, आपके ऑरा में सिद्ध हो जाता है, और वो हमेशा बिना बुलाए भी आपके लिए वैसा ही काम करता है, जैसी मदद करता है। एक सवाल और बनता है कि कितने बार इंचेंट करके बुलाना है जब भी बुला रहे हैं। मेरा मानना है कम से कम 21 बार तो इंचेंट कीजिए, गहरी सांस लेके पूरा ध्यान लगा के पूरे विश्वास के साथ इंचेंट कीजिए, और जब तक आप किसी काम को कर रहे हैं तब तक अपने मन में उसे इंचेंट करते हुए, जब तक उसकी ज़रूरत आपको है, जब तक आप उससे अपने अंदर चाहते हो तब तक तो करना ही चाहिए, लेकिन कोई भी काम करने से पहले कम से कम 21 टाइम्स तो कर ही लीजिए। और इस तरह से हो सकता है शुरुआत में आपको समझ में ना आए, क्योंकि अभी आप सधे नहीं हैं, लेकिन जब आप सध जाएंगे आपको समझ में आने लगेगा कि एनिमल स्पिरिट आपको कितने अच्छे से गाइड कर रही है। आशा करता हूँ एनिमल स्पिरिट की ये विधा आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, आप बहुत अच्छे से इसका इस्तेमाल भी कर पाएंगे। इस्तेमाल कीजिए और कमेंट में मुझे बताइए कि कितने अच्छे से आप इसका इस्तेमाल कर पा रहे हैं, कितने अच्छे से इसका लाभ आ रहा है, क्योंकि सैकड़ों की तादाद में ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसका फ़ायदा उठाया और उठा रहे हैं, जो अक्सर मुझे बताते हैं कितने अच्छे से वो वुल्फ, लॉयन, मंकी या डॉल्फिन स्पिरिट का इस्तेमाल करके अपने लाइफ की बहुत सारे सिचुएशंस को पास कर पाए हैं। तो मिलते रहेंगे आने वाली वीडियो पे, अगली वीडियो पे हम वुल्फ स्पिरिट के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते आई जी।